दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एग्नाइल की तरफ से एक कूलिंग बॉक्स फॉर कार जो कि 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। और ये जो बैग है काफ़ी रोबस्ट टाइप का है। आप मैं साइड से पूरा घुमा के आपको दे देता हूँ। इसका प्राइस अराउंड फ्लिपकार्ट में 7000 रुपीज़ है और इसका जो कैपेसिटी है 24 लीटर्स का है, ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, वो वीडियो मेरे दूसरे चैनल ऑसम टेक राइडर में अपलोडेड है, वहाँ पर भी क्लिक करके और भी इसके ऊपर डिटेल्स आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट आपको मिलता है, ठीक है। एक तो मेन कंपार्टमेंट ये वाला हो गया, एक सामने वाला एक कंपार्टमेंट हो गया जिसके साथ कूलिंग का कोई रिलेशन नहीं है, ये कंपार्टमेंट बाहर में है। तो इतना बड़ा एक तो कंपार्टमेंट आपको मिलता है और एक साइड में आपको छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है यहाँ पे चम्मच वम्मच रखने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। नीचे में रेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको स्टॉपर्स मिल जाते हैं, तो अंदर में सामान रखने के बाद आप कहीं पे भी इसको रेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर में आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों आपको चेन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो अगर इनकेस एक चेन ख़राबी हो जाए तो दूसरे चेन से भी आप काम चला सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। तो अंदर में खोलते ही आपको एक मैनुअल पेपर मिल जाता है, ओके। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रिकॉशन लिखा गया है, वो चीज़ मैं भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें है। और कूलिंग करने के लिए अंदर में ये डिवाइस आपको मिलता है जो कि अटैच किया हुआ है। इसका जो पावर कंजम्पशन है वो है 55 वाटेज का। और आपको देख सकते हैं कि अंदर में कितना बड़ा इसका कंपार्टमेंट एरिया मिलता है। तो क्या होता है, जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और साथ में अगर आपके साथ बच्चे अगर कैरी करते हैं तो उनके लिए जो फूड आइटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे मिल्क तो एकदम मस्ट हो जाता है, और लॉन्ग डिस्टेंस में ऐसे अगर मिल्क आप कैरी करके ले जाते हैं तो वो फट जाने का या ख़राब हो जाने का चांस है। फिर दही हो गया, दही ख़राब होने का भी चांस रहता है। अगर मिठाई लेके जाते हैं तो मिठाई भी खट्टा हो जाने का चांस रहता है। ये सब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो अगर कोई पिकनिक स्पॉट में भी जा रहे हैं या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस टाइप का जो कूलिंग जो डिवाइस है खाना को कूल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ दूध नहीं, यहाँ पे आप फ्रूट्स भी रख सकते हैं, वेजिटेबल रख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक सब कुछ यहाँ पे आप कैरी करके ले जा सकते हैं। बैक साइड में आपको एक एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जो प्रिकॉशन लिया गया है कि अगर कहीं पे आप इसको रख रहे हैं तो सरफेस से मतलब इसका सामने से एटलीस्ट 4 इंचेस का आप गैप मेंटेन कीजिए, नहीं तो एग्जॉस्ट अगर ठीक से नहीं होगा तो अंदर में कूलिंग इफेक्ट भी सही से नहीं होगा, ओके। ये डिवाइस ऑलरेडी मैंने टेस्ट करके देख लिया है और अराउंड 40 मिनट्स में अंदर में अच्छा खासा ये कूल कर दिया था। ये वो वीडियो मेरे दूसरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। अंदर में जब सामान रखते हैं तो ऊपर में कवर करने के लिए आपको एक लीड ऐसे मिलता है, तो अंदर में सब सामान रखने के बाद आपको ऐसे कवर करके चेन को ऊपर से लगा देना पड़ेगा। इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पे दिया गया है और ये एक ही डायरेक्शन में लगता है, तो उल्टा घुमा के लगाने का कोई प्रोविजन इसमें है नहीं। तो ये भी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। अब इसका कॉर्ड के बारे में बात करते हैं जो चार्जिंग कॉर्ड दिया गया है। तो आपको 2 टाइप का यहाँ पर कॉर्ड मिलता है, एक है मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, ओके। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आप एडेप्टर देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इसका स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। तो ये एडेप्टर बेसिकली डोमेस्टिक यूज़ करने के लिए है। अगर मान लीजिए कहीं पे आप जाते हैं या घर से आप निकलने के पहले आप सामान को कूल करना चाहते हैं तो ये जो डोमेस्टिक जो 2 पिन का पॉइंट जो है इसको आप घर पर लगा के ये यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट आपका बन जाता है जो लाइटर सॉकेट के लिए यूज़ होता है, ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप इसको घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए आप कहीं पे ड्राइव करके किसी होटल में स्टे करते हैं, वहाँ पे फ्रीज़र इस टाइप का नहीं है लेकिन इन खाना को आपको ठीक रखना है तो वहाँ पर भी आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। आपको कार के अंदर में इसको यूज़ करना है तो कार जब ड्राइव कर रहे हैं तभी इसको यूज़ कीजिए, कार को ऑन करने के बाद इस डिवाइस को आप यूज़ मत कीजिए, नहीं तो कार का जितना भी बैटरी है पूरा ड्रेन हो जाएगा। तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तभी इस बैग को जो कूलिंग जो बैग है इसको आप यूज़ कीजिए। मेरा जो गाड़ी है टाटा नेक्सॉन, इसमें ऑलरेडी कूलिंग बॉक्स है लेकिन उसका जो एरिया है उसका भी एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा मैं वहाँ पे कुछ रख नहीं सकता। उसमें एक डाउनसाइड भी ये है कि अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ तो एसी मुझे ऑन करना पड़ेगा, और अगर मैं एसी ऑन करता हूँ बस खाना को ठीक रखने के लिए तो ऑब्वियसली मेरा माइलेज गाड़ी का माइलेज ड्रॉप होगा, फालतू में मेरा पेट्रोल जाएगा। अगर मैं इस डिवाइस को यूज़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा स्पेस मिलता है खाना रखने के लिए, और एसी के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो मैं बिंदास इसको यूज़ करके अपना माइलेज भी सही रख सकता हूँ और खाने को भी ठीक रख सकता हूँ। तो 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, कार में और घर में आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं इसको। और दूसरा पॉइंट जो है, जो 2 एडेप्टर जो दिया गया है कार के लिए अलग से और घर के लिए अलग से, तो दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, इसका जो कूलिंग इफेक्ट है काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ एक बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा है।
तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी इस चैनल टेक्निकल ट्यूनर को सब्सक्राइब कीजिए। किसी फ्रेंड को अगर इस टाइप का कूलिंग बैग आप सजेस्ट करना चाहते हैं जो कि ट्रैवल करना बहुत पसंद करता है, तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक उसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर एंड कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।